हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? अगर आप लोग आरआरबी जेई आरआरबी एलपी की तैयारी कर रहे हैं, उसके प्रैक्टिस सेशन चाहिए आप लोगों को, तो बच्चे मेक इट इज़ी मैकेनिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए और मेक इट इज़ी सिविल सिविल इंजीनियर्स के लिए, ये दोनों हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मोबाइल एप्लीकेशन से आप लोग इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से हमारे साथ में आरआरबी जेई और आरआरबी एलपी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर अब इम्पॉर्टेंट खबरों को पढ़ते हैं, क्या क्या न्यूज़ आज आपकी है। देखिए बच्चे, अगस्त के महीने में ना, अगर आप थोड़ा सा न्यूज़ को फॉलो करते हैं अच्छे से, यहाँ पे देखिए, अगस्त के महीने में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी के लिए जो शेड्यूल कास्ट होती हैं उनके लिए एक डिक्लेरेशन हुई थी, उसके लिए उन्होंने एक डिसीजन लिया था। डिसीजन क्या था? 6-1 के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण को अनुमति दी थी। अब देखिए, ये उपवर्गीकरण क्या है, जैसे बच्चे आपका ओबीसी होता है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। अब अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है, इसके अंदर ऐसा नहीं है कि जो भी ओबीसी की कैटेगरी में आएगा वो आपका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक होगा, है ना। तो ओबीसी में जो है आपकी क्या है, अलग अलग कैटेगरी होती है। जैसे ये ओबीसी में आपका एक ईबीसी आता है ना, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। उसके अलावा ओबीसी में आपका क्रीमी लेयर आता है, यानी कि वो व्यक्ति जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में तो हैं लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर है, ठीक है, तो वो आपके क्रीमी लेयर में आते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपका अदर बैकवर्ड क्लासेस को कैटेगराइज किया गया है, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शेड्यूल कास्ट वाली कैटेगरी है इसको भी कैटेगराइज करना चाहिए, ठीक है। और ये उन्होंने अभी 1 अगस्त को ये डिसीजन लिया था। उसके बाद में आज की न्यूज़ ये है कि हरियाणा, बीजेपी की सरकार है यहाँ पे हरियाणा, यहाँ पे भाजपा सरकार ने एक डिसीजन लिया है। इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश थे 1 अगस्त को जो आया था, इसे इनके स्टेट में लागू किया जाएगा, ठीक है। तो इसे लागू करने जा रही है, जिसमें राज्यों को आरक्षण के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण के लिए अधिकतम अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि जो ये 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसको सबसे पहले अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करने वाला जो स्टेट बन रहा है, अभी तो फिलहाल घोषणा हुई है, ऑफिशियली इंप्लीमेंटेशन के लिए कोई भी चीज़ नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा जो है आपका पहला ऐसा राज्य बनेगा जो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी बचे हरियाणा की अगर हम बात करें तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज है, ये पॉपुलेशन है, वो है आपका 20.2%, ठीक है, इसे याद रखिएगा। आपका फैक्ट है, मतलब कि 100 में से 20 लोग जो है आपके यहाँ पे क्या है, शेड्यूल कास्ट वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा इट इज 20% कोटा फॉर एससीज इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन, ठीक है। और इसके यहां पे यानी कि हरियाणा सरकार की यहां पे हरियाणा स्टेट में जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, ठीक है, जो भी आपका एजुकेशन का फील्ड आता है, वहां पे एससी वालों को 20% का आरक्षण दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो बच्चे सुप्रीम कोर्ट एससी कमीशन, यानी कि जो आपका शेड्यूल कास्ट कमीशन है, ये रिकमेंड करता है 10% का सब कोटा किसके लिए, डिप्राइव्ड एससी के लिए, ठीक है। डिप्राइव्ड एससी का मतलब होता है ऐसे शेड्यूल कास्ट में, जैसे आपका ओबीसी में एक ईबीसी वाला कैटेगरी होता है ना, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस होते हैं, उसी तरीके से एससी में जो है आपका एक डिप्राइव्ड एससी, ठीक है, तो उसके लिए जो है आपका 10% का जो आरक्षण है उसका अनुमोदन किया गया है एससी कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो फिलहाल ये हरियाणा के द्वारा ये घोषणा अभी की गई है, अभी फिलहाल ये सिर्फ घोषणा मात्र है, ठीक है। जब ये इंप्लीमेंट होगा, इसके लिए कोई कानून बनेगा, कोई एक्ट बनेगा, तो दोबारा से ये स्टेट आपका चर्चाओं में आएगा, हम इसे दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी याद रखिएगा, हरियाणा ने ये घोषणा की है। अगला बच्चे, एक किताब और एक ऑथर के बारे में हमें पढ़ना है। वैसे किताब एंड ऑथर वाला जो आपका आता है, बुक्स एंड ऑथर वाला जो न्यूज़ आती है, अधिकतर मैं शॉर्ट न्यूज़ में से रखती हूँ। इस किताब के बारे में कुछ खास है, किताब का नाम याद रखना, द गोल्डन रोड हाउ एंशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, ठीक है। ये एक किताब लिखी गई है, अंग्रेजी भाषा में किताब लिखी गई है, एक अंग्रेजी राइटर के द्वारा लिखी गई है, राइटर का नाम है विलियम डेल रिम्पल, ठीक है, याद रखिएगा, विलियम डेल रिम्पल के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। अब ये किताब जो है आपकी चर्चाओं में रही, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। एंशिएंट इंडिया में भारत की जो टेक्नोलॉजी थी, या भारत ने किस तरीके से दुनिया को प्रभावित किया, किस तरीके से भारत ने दुनिया को बदला, इसके बारे में जो है किताब बताती है। अब इस किताब में बच्चे आपका एक चैप्टर है, उस चैप्टर में आपका एक प्रसंग है, जिस प्रसंग में ये जो राइटर हैं ये दावा करते हैं, ठीक है, किस चीज़ का दावा कर रहे हैं, इन्होंने दावा किया है कि हिंदू भगवान गणेश की कथा, जिनका हाथी का सिर मानव शरीर से जुड़ा हुआ था, यह साबित करती है कि प्राचीन भारत में कॉस्मेटिक सर्जरी मौजूद थी, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपका सुना सुना सा लग रहा होगा आपको कहीं,
लग रहा है, सुना सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया गया था एक बार, ठीक है। तो यही सेम स्टेटमेंट इन्होंने दिया है जो बुक के ऑथर हैं, जिसके कारण किताब आपकी चर्चाओं में है, ठीक है। इसके कहीं जगह जो है सराहा जा रहा है, ओबियस सी बात है कि हर सिक्के के जो है दो पहलू होते हैं ना, उसी तरीके से किताब को जो है आपका दोनों तरीके से कहीं जो है आपका क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, कहीं जो है आपका सराहा जा रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ये किताब आपकी चर्चाओं में है, याद रखिएगा, द गोल्डन रोड जो है बुक का नाम है, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड, और लिखी किसने है, विलियम डेलिम्पल्स के द्वारा इसे लिखा गया है, ठीक है। अगला बच्चे एक सरकार है, कालिदास सम्मान। पहले तो ये याद रखना कि कालिदास सम्मान कौन देता है। कालिदास सम्मान बच्चे आपका मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की सरकार ने 2023 का जो कालिदास सम्मान दिया है, ये दिया है एक पेंटर को, ठीक है, चित्रकला के लिए, चित्रकला के क्षेत्र में योगदान के लिए कलाकार रघुपति भट्ट जी को 2023 का कालिदास सम्मान देने की घोषणा हुई। ये बच्चे आपके कलाकार हैं, रघुपति भट्ट इनका नाम है। उसके अलावा रघुपति भट्ट के बारे में एक विशेष बात मैं आपको बताऊँ, तो इनको ना एक खास प्रकार की पेंटिंग को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग को कहा जाता है गंजीफा, ठीक है, गंजीफा लघु चित्रकला, गंजीफा लघु चित्रकला इसे कहा जाता है। इसका ओरिजिन जो है कर्नाटका स्टेट है, ये अपने आप में आपका एक स्टेट स्टडी का प्रश्न बनेगा। कर्नाटका स्टेट में जो है आपका गंजीफा का ओरिजिन हुआ था, गंजीफा एक लघु चित्रकला का टाइप है, ठीक है। तो इस लघु चित्रकला को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है। और ये जो पूरी चित्रकला है, जो आपका पेंटिंग का स्टाइल है, ये आपका विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है, और इसे करने वाले बहुत कम लोग हैं, ठीक है। तो रघुपति भट्ट का नाम याद रखिएगा, इन्हें जो है 2023 के लिए क्या दिया गया है, कालिदास सम्मान दिया गया है। अब इस सम्मान की बात करते हैं, सम्मान के बारे में पहले यह याद रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे दिया जाता है। उसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है, उसके अतिरिक्त आपको यह याद रखना है, सम्मान की शुरुआत 1981 में हुई थी, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो विनर होते हैं उन्हें कितना रुपए दिया जाता है, उन्हें जो है 5,00,000 रुपए दिया जाता है। उसके अलावा ये जो अवार्ड है, ये किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है, ये एक ही व्यक्ति को दिया जाता है, लेकिन ये जो व्यक्ति होते हैं ये इन इन फील्ड से हो सकते हैं। कौन से फील्ड है, इसमें आपका क्लासिकल म्यूजिक है, क्लासिकल डांसेस है, और आपका थिएटर है, और आपका विजुअल आर्ट है, ठीक है। तो ये जो पेंटिंग आता है आपका विजुअल आर्ट में आता है, ठीक है। तो पेंटर रघुपति भट्ट जी को 2023 का कालिदास सम्मान दिया गया है, इन पेंटर के कारण, इन अवार्ड विनर के कारण जो है आपका एक पेंटिंग बच्चे चर्चाओं में आई है, गंजीफा लघु चित्रकला, ठीक है। इसके बारे में ये याद रखना है कि आपका कर्नाटका से रिलेटेड है, ठीक है, और ये आपका लघु चित्रकला का एक नाम है, गंजीफा, ठीक है, गंजीफा। अगला आपका एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट का नाम है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI 2024। ये आपका रिलीज हुआ है बच्चे। इस बार का जो आपका थीम रहा इस रिपोर्ट का, वो रहा संघर्ष के बीच गरीबी, पोवर्टी एमिड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अब ये जो रिपोर्ट है, ऑब्वियसली बात है कि पूरी दुनिया की गरीबी के बारे में बताती है, तो इसमें बच्चे बहुत सारी जो है आपके क्या है फैक्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं जो कि आपको पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में से दो तीन चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ जो कि याद करने की कोशिश आपको करनी है। सबसे पहले है आपका रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र बहुआयामी गरीबी में रहते हैं, जिसमें से कि 455 मिलियन लोग संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं। संघर्ष प्रभावित क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ऐसा एरिया जो कि किसी ना किसी प्रकार से किसी ना किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को झेल रहा है, ठीक है। अब वो आपका युद्ध हो सकता है, वो आपका क्लाइमेट चेंज हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष होता है, वहाँ पर जो एरिया, जैसे कि बच्चे कुछ एरियाज आपके ऐसे ना, जैसे आपका ये गाजा क्षेत्र है, इसराइल और फिलिस्तीन वाले की फिलिस्तीन कंट्रीज़ के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कि हमेशा ही जो है आपका क्या होता है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है, ठीक है। उस तरीके से जो है आपका ये तालिबानी वाला क्षेत्र अफगानिस्तान हो गया, ठीक है, उसके अलावा जो है आपका ये यूक्रेन वाला क्षेत्र हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो है वार प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ के लोग हमेशा ही किसी न किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, ठीक है। तो वे सी बात है कि जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ पर संप्रभुता नहीं होगी, है ना, संप्रभुता नहीं होगी तो पॉवर्टी होगी, वैसी बात है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि विश्व में टोटल कितने लोग हैं जो कि गरीबी से प्रभावित हैं, 1.1 बिलियन लोग हैं जो कि तीव्र बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। उसके अलावा यह रिपोर्ट हमें बताती है कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों में आधे से ज्यादा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, ठीक है। तो 1.1 बिलियन का भी आपका जो 50% पॉपुलेशन का परसेंटेज है, जो हिस्सा है, वो आपका वो लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम की है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो है आपका तीसरा इफेक्ट इसका बताता है कि विश्व के 1.1 अरब बहुआयामी गरीब लोगों में से 83.2% लोग उप सहारा अफ्रीका और दक्षिण एशिया में रहते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा गरीबों
सबसे ज़्यादा गरीबी से प्रभावित क्षेत्र जो हैं आपके, एक तो आपको बच्चे उपसहारा क्षेत्र है, उपसहारा अफ्रीका है, ठीक है, यानी कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और दूसरा जो है आपका साउथ एशिया है, ठीक है, दक्षिणी एशिया है। तो यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं और यहाँ पे जो कंट्रीज़ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी देखने को मिलेगी। मतलब बच्चे ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर आप लोग देखें ना, जितनी भी 1.1 बिलियन लोग हैं उनमें से 83.2% है ना, 50% से ज़्यादा, 83.2% लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में और दक्षिण एशिया में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है आपका ये कंसर्न वाली बात है कि सिर्फ कुछ पर्टिकुलर एरिया ऐसा है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है ना, तो बहुत ज़्यादा असमानता जो है आपका ये दिखाती है बाकी कॉन्टिनेंट के बीच में और इन कॉन्टिनेंट के बीच में, ठीक है। तो ये तीन फैक्ट हो गए। अब चौथा जो फैक्ट है इसमें इंडिया है, इसलिए ज़्यादातर आपको याद रखना है। गरीबी में रहने वाले लोगों की सबसे बड़ी संख्या वाले पांच देश हैं। सबसे ज़्यादा जो है आपका यहाँ पे देखिए, भारत है 234 मिलियन, पाकिस्तान है 93 मिलियन, इथियोपिया है 86 मिलियन, नाइजीरिया है 74 मिलियन, और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है 66 मिलियन। तो सबसे ज़्यादा जो आपका पॉवर्टी वाली पॉपुलेशन है वो है आपकी इंडिया में 234 मिलियन, ठीक है। और इंडिया में इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि बच्चे यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा तो चाइना में भी है, लेकिन वहां के लोग जो है संप्रभु है, ठीक है, वहां पे प्रॉस्पेरिटी है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, ये वाला फैक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द फाइव कंट्रीज विद द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द पीपल लिविंग इन द पुअर्टी आर इंडिया, 234 मिलियन लोग, ठीक है, और टोटल कितने हैं, 1.1 बिलियन लोग। ये आपको रिपोर्ट याद रखनी है। अब रिपोर्ट का कुछ स्टैटिक पॉइंट मैं आपको बताती हूँ, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है, क्या भारत भी अपनी कोई इस प्रकार की रिपोर्ट निकालता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। स्टैटिक में बचे, ये जो आपका विश्व बहुआयामी गरीबी सूचकांक है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये है आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है, UNDP के द्वारा, और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई थी, ठीक है। ये पहली बार 2010 में लॉन्च हुई है। MPI जब मेज़र किया जाता है किसी भी कंट्री में, जो पुअर्टी का इंडेक्स मेज़र किया जाता है, उसके लिए बच्चे आपके क्या होते हैं, तीन आयाम होते हैं, ठीक है। इसके करने के लिए जो है आपके 10 संकेतक होते हैं, जिसमें आपका स्वास्थ्य आता है, शिक्षा आता है, जीवन स्तर आता है, ठीक है। इन ये जो चीज़ें हैं ये देखी जाती हैं किसी भी कंट्री में, और उसके आधार पर फिर जो है उस कंट्री के लोगों को बताया जाता है कि इतने लोग गरीब हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये जो है इनका आधार है इस रिपोर्ट को सर्वे करने का, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 2010 में आपका पहली बार हुआ था, और UNDP के द्वारा जो है इसे आपका पब्लिश किया जाता है। अब भारत की अगर हम बात करते हैं कि भारत क्या अपना कोई बहुआयामी गरीबी सूचकांक निकालता है, तो बिल्कुल निकालता है बच्चे, ठीक है। भारत का जो राष्ट्रीय MPI आता है, ये 2021 में नीति आयोग के द्वारा पेश किया गया था। वैश्विक MPI मॉडल के 10 मूल संकेतकों को बरकरार रखा गया और 2 संकेतक जोड़े गए। इसमें आपका मात्र स्वास्थ्य आता है और एक आपका बैंक खाता आता है, ठीक है। तो जो यहाँ पे 10 संकेतक हैं, जो 10 इंडिकेटर हैं जिन्हें कि ग्लोबली इस्तेमाल किया जाता है, वो भारत में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन भारत में टोटल जो है आपके 12 इंडिकेटर का, 12 जो है आपके इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और उन 12 में 10 तो वही हैं जो आपके ग्लोबली इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दो में आपका एक तो मात्र स्वास्थ्य आता है और एक आपका बैंक खाता आता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि नीति आयोग के द्वारा भी आपका क्या किया जाता है, इस प्रकार की एक रिपोर्ट जारी की जाती है, जब सबसे पहली बार इन्होंने रिलीज़ किया था 2021 में, ठीक है। तो हमारी अपनी भी एक रिपोर्ट आती है बहुआयामी गरीबी को लेकर के, और एक जो है आपका ग्लोबल रिपोर्ट भी आती है बहुआयामी गरीबी सूचकांक को लेकर के, ठीक है। तो अभी हमने जो करंट में पढ़ी है वो आपकी ये वाली है, ठीक है, यह आपकी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक। अगला बच्चे एक अपॉइंटमेंट है, वैश्विक निकाय वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, ठीक है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन, जितनी भी आपकी स्टील कंपनियां हैं, ठीक है, उन सभी कंपनीज की क्या है, एक एसोसिएशन है, इसका नाम है वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। ये आपका एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे विश्व भर में जो है आपका ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के इस ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है थाचट विश्वनाथ नरेंद्रन को, ठीक है। और ये थाचट विश्वनाथ नरेंद्रन है कौन, ये बच्चे आपके वर्तमान में टाटा स्टील के MD है और टाटा स्टील के CEO हैं, ठीक है। तो इनको जो है आपका यहाँ पे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में अपना प्रेजिडेंट इनको चुना गया है, और ऐसा जो है दूसरी बार हुआ है जब किसी भारतीय व्यक्ति को किसी वैश्विक ऑर्गेनाइजेशन में अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो ये जो आपका वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है ना, इसमें जो है आपका विश्वनाथ नरेंद्रन से पहले किसे चुना गया था, इसमें जो है आपका
सज्जन जिंदल को चुना गया था, ठीक है, जो जीएसडब्ल्यू ग्रुप के चेयरमैन हैं उनको जो है आपका इस पे चुना गया था 2021 में, ठीक है। अभी वर्तमान में चुना गया है किसे, विश्वनाथ नरेंद्रन को, जो कि खुद टाटा स्टील के एमडी हैं और इसके सीईओ हैं, ठीक है। तो दोनों में ही आपका इनका नाम इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन है इसमें तो इंपॉर्टेंस है ही, साथ में ये भी याद रखिएगा कि इनकी भारत में क्या पोजिशन है, तो टाटा स्टील के एमडी हैं और सीईओ हैं। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये है, ये भी आपकी एक रिपोर्ट से रिलेटेड है। ये रिपोर्ट है 2024 की, विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। इसमें बच्चे ये थोड़ा सा याद रखिएगा, 2024 में जो आपकी रिपोर्ट जारी हुई है ये आपका 29th एडिशन है, 29वां संस्करण है। कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा ये आपका संकलित किया जाता है, ठीक है। और टोटल जो है आपका 165 न्याय क्षेत्र, यानी कि यहाँ पे इतने जगह जो है आपका इसका आकलन किया गया, और उसके आधार पर जो है आपका हांगकॉन्ग को पहला स्थान दिया गया, ठीक है। भारत का स्थान हमारे लिए ज़रूरी है, तो पिछली बार जो है भारत का स्थान 87 था, इस बार जो है भारत ने यहाँ पर प्रोग्रेस की है और भारत पहुँच गया है 84th नंबर पर, ठीक है। तो यहां पे दो चीजें याद रखिएगा, जो विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट है इसमें हांगकांग पहले नंबर पे है और भारत जो है आपका 84th नंबर पे है। उसके अलावा अगर हम बात करें सबसे हालिया डेटा वाले वर्ष यानी कि 2022 में सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से मुक्त क्षेत्राधिकार, यहां पे आपका हांगकांग पहले पे है, सिंगापुर हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है आपका पांचवें नंबर पे है, ठीक है। तो ये वो देश है जो कि इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा फ्री है, ठीक है। तो ये आपका हांगकांग याद रखिएगा और भारत का स्थान आपको याद रखना है 84th। अब आती है आपकी पहली शॉर्ट न्यूज़, स्पोर्ट्स रिलेटेड है। बाला देवी, बाला देवी बच्चे एक भारतीय फुटबॉलर है, इनका स्टेट है मणिपुर, ठीक है। बाला देवी ये 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है और भारतीय टीम में ना इन्हें आपका एक निकनेम दिया गया है। इस निकनेम है इनका गोल मशीन, ठीक है। इन्हें जो है भारतीय महिला फुटबॉल की गोल मशीन कहा जाता है और पहली महिला ये बनी है भारतीय फुटबॉल टीम की जिनको कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 50 गोल का जो आंकड़ा है वो क्रॉस किया है, ठीक है। नाम याद रखिएगा बाला देवी, और इनके स्टेट भी याद रखिएगा बच्चे, इंपॉर्टेंट स्टेट है मणिपुर, मणिपुर से आती हैं बाला देवी। अगली जो न्यूज़ है ये क्रिकेट से रिलेटेड है। विराट कोहली 9000 टेस्ट रन तक पहुंचने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। इनसे पहले ये जो कारनामा है किया है किस किसने, सचिन तेंदुलकर कर चुके हैं सबसे पहले, राहुल द्रविड़ हैं और सुनील गावस्कर हैं, ठीक है। तो चौथे नंबर के प्लेयर बन गए हैं विराट कोहली, 9000 टेस्ट रन कंप्लीट करने वाले। अगली खबर भी आपकी एक बुक एंड ऑथर से रिलेटेड है। किताब का नाम आपको याद रखना है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। किताब है ये, पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउसेस के द्वारा और लिखा किसने है, लिखा गया है एम के रंजीत सिंह के द्वारा, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, रंजीत सिंह के द्वारा ये आपकी किताब लिखी गई है, माउंटेन मेमोस ऑफ द वर्ल्ड किताब का नाम है। और ये जो पर्सनालिटी है बच्चे, ये जो व्यक्ति का नाम आप लोग देख रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ब्यूरोक्रेट थे अपने समय में, ठीक है। ये जो है आपके IAS ऑफिसर थे और इन्होंने ये जो हमारा प्रोटेक्शन एक्ट है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो एक्ट है ना, इस एक्ट को बनाने में बहुत हेल्प की थी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, इन्होंने 1972 का जो ये एक्ट था, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इस पर भी काम किया था, ठीक है। एक्स IAS ऑफिसर है। और दूसरा जो है इनकी वर्तमान में किताब रिलीज हुई है, किताब का नाम है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। नाम याद रखिएगा, एम के रंजीत सिंह। अगली जो न्यूज़ है बच्चे ये आपकी आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर विधानसभा के प्रोटीम स्पीकर के रूप में यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनके द्वारा चुना गया है मुबारक गुल को। मुबारक गुल की अगर हम बात करें तो इनकी जो पार्टी है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस NC, ठीक है। इसके वरिष्ठ नेता हैं और ईदगाह निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं, ठीक है। तो फिलहाल प्रोटीम स्पीकर के रूप में इन्हें चुना गया है। जब तक कोई स्थायी स्पीकर नहीं चुना जाता है तब तक जो व्यक्ति विधानसभा की पूरी जो असेंबली होती है, मीटिंग्स होती हैं, उनको संबोधित करने का काम करता है उसे कहा जाता है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। तो जब तक स्पीकर नहीं चुना जाएगा परमानेंट तब तक जो है प्रोटेम स्पीकर काम करते हैं। तो नाम याद रखिएगा, इनका नाम है मुबारक गुल, ठीक है। आपको याद होना चाहिए बच्चे कि जम्मू कश्मीर में 2019 की बात से अब जो आके चुनाव हुए हैं 2024 में, और यहाँ पे जो CM बने हैं उनका नाम है उमर अब्दुल्ला, ठीक है। और यहाँ के जो LG हैं उनका नाम है आपका मनोज सिन्हा, ठीक है।
यूनियन टेरिटरी, जो भी यूनियन टेरिटरी होती है वहाँ पे आपका उपराज्यपाल का पद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे, ठीक है। एक आपका कहीं कहीं पे उपराज्यपाल का होता है, कहीं कहीं पे जो आपका प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं उस पद को, ठीक है, उनका पद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी, यूनियन यानी कि केंद्र सरकार, ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी में जो डायरेक्ट रूल होता है, ज़्यादा जो आपका कंट्रोल होता है वो किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक व्यक्ति के रूप में जो है वहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है और उसी पोस्ट कहते हैं LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। तो अभी जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव तो हो गए हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर आपका यूटी है, तो वहां पे बच्चे सीएम से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पद होगा वो LG का होता है, ठीक है। तो मनोज सिन्हा जो यहां पे अभी आपके मनोज सिन्हा जो है LG है, इनका भी नाम आपको याद रखना है। और प्रोटेम स्पीकर के रूप में इन्होंने किसे चुना है, मुबारक गुल को चुना है, ठीक है। तो इतना जो है जम्मू कश्मीर के बारे में आपको याद रखना है। दो किताबें आज आपने पढ़ी, काफ़ी लंबे समय बाद हम बुक्स एंड ऑथर वाली न्यूज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। जब भी पढ़ते हैं एक दिन में जो है दो दो किताबें आ जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बुक बच्चे आपके RRB JEE की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। बुक्स एंड ऑथर का आपका एक प्रश्न कन्फर्म आता है आपके परीक्षा में, ठीक है, चाहे वो आपका स्टैटिक से पूछा जाए या फिर आपका करंट से पूछा जाए, ठीक है। तो ये जो है आपको सेपरेटली भी अपना जो बुक्स एंड ऑथर वाली जो टॉपिक है वो आपको अपने आप भी रिवाइज करते रहना है, पिछले 1.5 साल की जो भी आपकी इंपॉर्टेंट बुक्स आई हैं, ठीक है। अगर किसी राइटर को कोई पुरस्कार मिला है, ठीक है, कोई भारतीय राइटर है जिसे कि किसी इंटरनेशनल मंच पे जो है सराहा गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है, किसी की किताब बहुत ज़्यादा बिकी है, इस तरीके के प्रश्न जो है आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और बाकी करंट अफेयर के लिए थोड़ा सा समय लग रहा है क्लासेस तैयार करने में, डेटा को कलेक्ट करने में, तो बहुत जल्दी बच्चे आपके सामने में RRBJEE के लिए, LP के लिए जितना भी करंट अफेयर आपका सफिशियंट है, जितना भी आपको पढ़ना है, ठीक है, वो करंट अफेयर लेकर के मैं बहुत जल्दी आपके सामने हाजिर होंगी। ये वाली क्लास के जगह पर जो है आपकी वाली क्लासेस होंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आप खुद से रिविजन करते रहिए, और उसके बाद मैं तो आ ही रही हूँ, ठीक है, मेक इट इजी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। चलिए फिर, तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए, चलिए मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।